नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। इंग्लैंड की बी टीम कह लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव नहीं है और इसी बी टीम ने पाकिस्तान को लगातार दो मैचों में बुरी तरह से हराया है। इस हार के साथ ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज गंवा दी है। बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान का ये अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन है। इससे पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में सीरीज भी जीती, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर पूरी टीम बिखर गई है। एक भी खिलाड़ी ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। गेंदबाजी में हालांकि हसन अली की तारीफ की जानी चाहिए, 5 विकेट लेकर उन्होंने लॉर्ड्स में इतिहास रचा, लेकिन 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम नाकामयाब रही और 52 रनों से टीम को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर अब रमीज रजा ने चुप्पी तोड़ी है। रमीज रजा ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि अगर आप इस हार को भूकंप के रिएक्टर स्केल पर मापेंगे तो 15 स्केल का झटका लगेगा। ये टीम के लिए बड़ी हार है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता है। ये इंग्लैंड की नंबर 2 टीम है और आप इस टीम से हार गए। अगर आप इस टीम से बेन स्टोक्स को हटा दें तो इस इंग्लैंड की टीम में कोई और भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो भविष्य में इंग्लैंड टीम में जगह बना पाएगा। इसके बावजूद आप मैच हार गए। उन्होंने आगे कहा, इस तरह का प्रदर्शन डिफेंड करने लायक नहीं है। अगर खतरे की घंटी अभी नहीं बजती है तो मुझे नहीं पता कि ये कब बजेगी। इस साल T20 विश्व कप होने वाला है और ऐसे में इस तरह की सुर्खियां पाकिस्तान के फैंस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रमीज रजा ने यहां पर कोच की ओर भी इशारा किया, साथ ही टीम सेलेक्शन पर भी सवाल उन्होंने उठाया। रमीज रजा ने पाकिस्तान के फैंस के बीच दुख को उजागर करते हुए कहा कि टीम उनसे अपना प्यार और समर्थन खोती जा रही है। हालांकि अगले मैच में पाकिस्तान की टीम के पास मौका है कि खुद को इंग्लैंड के हाथों से क्लीन स्वीप से बचा ले। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।